हेलो एवरीवन, आई एम विकास कुमार, वेलकम टू मरीन ई ट्यूटर। मरीन ई ट्यूटर आज आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर लेकर आया है। इकोनोमाइजर जिससे हमारी बॉयलर पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, सिर्फ बॉयलर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और कैसे मेन इंजन से जो एग्जॉस्ट और बॉयलर से जो एग्जॉस्ट गैसेस जो होती है, जो अपटेक गैसेस होती है, वो कैसे एज ए इफिशियंट मैनर में यूज होती है, आज हम ये पूरी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इकोनोमाइजर क्या होती है, कैसे इकोनोमाइजर बॉयलर पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों, आप एंड तक देखें, ये रियली में बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो हम बात करेंगे इकोनोमाइजर की। मैंने इकोनोमाइजर की यहाँ 5 पार्ट डिवाइड की है, और ईच पार्ट्स में बहुत ही इलाबोरेट तरीके से बताऊंगा, और आपकी ये 5 पार्ट से पूरी इकोनोमाइजर कवर की जाएगी। सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा इकोनोमाइजर, व्हाट इज इकोनोमाइजर इन इट्स पार्ट्स, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्किंग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इकोनोमाइजर होती क्या है? इकोनोमाइजर, द नेम इटसेल्फ इकोनॉमी प्लस राइज, मींस इससे हमारी बॉयलर स्टीम ड्रम की इकोनॉमी राइज हो जाती है। मींस इकोनॉमी राइज हो जाना मींस इंक्रीज इन एफिशिएंसी विथ लोअर कॉस्ट। हमारा इकोनोमाइजर से बॉयलर पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है विथ लोअर कॉस्ट। बेसिकली व्हाट इज इकोनोमाइजर? बॉयलर इकोनोमाइजर विच इंप्रूव्स द एफिशिएंसी और इकोनॉमी ऑफ स्टीम ड्रम दैट इज क्लोज्ड लूप फीड वाटर हीटर इज कॉल्ड इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर हमारा स्टीम ड्रम की एफिशिएंसी और इकोनॉमी को इंक्रीज करता है, और एक क्लोज्ड फीड टाइप ऑफ वाटर हीटर है। क्लोज फीड टाइप ऑफ वाटर हीटर मींस जो भी हमारे हीटिंग एलिमेंट है और जो हमारी वाटर है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं आते, यहाँ इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंज होता है। तो दैट इज ओनली कॉल्ड क्लोज टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो ये हम लोगों ने देखा व्हाट इज इकोनोमाइजर। अब हम इसकी पार्ट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़ेंगे। मैंने ये डायग्राम बनाया है इकोनोमाइजर की, अब मैं आपको ये डायग्राम में समझाता हूँ जो पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं पार्ट्स समझाऊंगा। ये हमारा इनलेट हेडर है, आप देख सकते हो जो मैं टॉप पार्ट पे बनाया है वो ये हमारे इनलेट हेडर है। बॉटम पार्ट पे मैंने फीड वाटर आउटलेट हेडर बनाया है, FW मींस फीड वाटर। तो जो हमारा इनलेट हेडर है और जो हमारा आउटलेट हेडर है, इन दोनों के बीच हमारा एक मल्टीपल ट्यूब्स अटैच्ड है। ट्यूब्स अटैचमेंट में आपको जब बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर पढ़ा रहा था तब बताया था। सपोज ये हमारा हेडर है, ओके, और सपोज ये हमारा ट्यूब है, ओके? तो हमारा जो ट्यूब होता है वो हेडर में बैब बेल माउथिंग अरेंजमेंट के थ्रू हमारा ऐड होता है। ये आप देख सकते हो, ये हमारा बेल माउथिंग अरेंजमेंट के थ्रू हमारा अटैच्ड होगा, और इसकी मैंने फॉर्मूला ही बताई थी। जो बेल माउथिंग अरेंजमेंट जो होती है वो 1 mm पर 25 mm होती है। मींस सपोज ये जो हमारे मल्टीपल जनरेटिंग ट्यूब्स जो अटैच्ड है बिटवीन इनलेट हेडर एंड आउटलेट हेडर, जो हमारी जो ट्यूब अटैच्ड है, सपोज इस जनरेटिंग ट्यूब की अगर हमारी डायमीटर अगर 25 mm है, तो जो बेल माउथिंग होगी वो 1 mm प्लस 1.5 mm मींस 2.5 mm हमारी बेल माउथिंग होगी। सपोज अगर इस जनरेटिंग ये जनरेटिंग ट्यूब अगर हमारा 100 mm की है, तो 1 mm पर 25 mm, 400 mm means 4 mm पर 100 mm means हमारा 4 mm plus 1.5 mm 5.5 mm हमारी बेल माउथिंग होगी। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। तो ये हमारा ट्यूब अटैचमेंट होती है, और ये जनरली जो अटैच्ड जो होती है, जो अटैचिंग नेचर जो होती है, वो हमारी वेल्डेड होती है और स्टब ट्यूब्स वहां पर होती है। तो ये मैंने आपको बताया इनलेट हेडर, आउटलेट हेडर और मल्टीपल ट्यूब्स हमारी कनेक्टेड, ट्यूब्स की अटैचमेंट कैसे है मैंने वो भी आपको बता दिया। नाउ अब जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, मैंने इस डायग्राम में यहाँ पर मैंने सूट ब्लोइंग बनाया है। सूट ब्लोइंग एक इनलेट बॉटम पर भी होता है, एक अपर पर भी होता है। अपर पे मैंने नहीं दिखाया क्योंकि स्पेस मेरे पास नहीं था। तो आपका यहाँ सूट ब्लोइंग यहाँ भी होगी और सूट ब्लोइंग यहाँ पर भी होगी। आई होप यू ऑल नो अबाउट सूट ब्लोइंग। सूट ब्लोइंग हमारे जो भी सूट डिपॉजिट्स होते हैं तो वो हमारा रिमूव करता है ताकि कोई अपटेक फायर वगैरह ना हो। तो हमारा सूट ब्लोइंग प्रोसीजर यहाँ से होती है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा सपोर्ट बीम लगा हुआ है जो ये सपोर्टिंग के लिए हमारा होता है, ओके। और यहाँ से हमारा फीड वाटर जो है हमारा इन होती है, और यहाँ से हमारे फीड वाटर आउट होती है, ओके। तो और ये इकोनोमाइजर है जो मेकअप वाटर के लिए भी हमारी यूज होती है। ये जो फीड वाटर जो आउट हो रही है वो डायरेक्टली हमारी स्टीम ड्रम से कनेक्ट होती है, और ये हमारी स्टीम ड्रम में हमारी फीड वाटर जाती है। तो इससे हमारा अब हम बात करेंगे, ये हमारा पार्ट था। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन भी मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे वर्किंग, इसकी वर्किंग क्या है। सबसे पहले इसकी वर्किंग
समझने से पहले अब हम ये जानेंगे इसमें हीट एक्सचेंज होता कैसे, इकोनोमाइजर एक हीट एक्सचेंजर्स की तरह कैसे काम करता है। आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा वाटर है, सपोज ये हमारा वाटर हम लोगों ने फीड किया और ये हमारा वाटर ट्यूब के थ्रू हमारा वाटर पास हो रही है। यहाँ से जो हमारी गैसेस है, ये गैसेस जो होती है मेन इंजन या बॉयलर की जो एग्जॉस्ट गैसेस जो होती है वो हम यूज लाते हैं और उसकी टेम्परेचर हाई होती है। तब जो हाइयर टेम्परेचर जो है ये हमारा अपटेक की तरफ जा रहा है और हमारे ये फ्लो हो रही है और हमारा यहाँ जो वाटर जो है ये ट्यूब में फ्लो कर रही है। तब यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर होगा, जो हाइयर टेम्परेचर जो फ्लू गैस है और जो बोल सकते हैं जो हमारा एग्जॉस्ट गैस है, फ्लू गैस की टेम्परेचर हाई है और जो वाटर की टेम्परेचर हमारा लो है, वाटर टेम्परेचर हमारा लो है, तब यहाँ क्या होगा इन दोनों में हमारी हीट ट्रांसफर होगी। मीन्स फ्लू गैस की टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगी, वाटर की टेम्परेचर हमारी इंक्रीज होगी, फ्लू गैस की टेम्परेचर डिक्रीज होगी, वाटर की टेम्परेचर हमारी इंक्रीज होगी, तो हमारा हीट ट्रांसफर होता है। और ये हीट ट्रांसफर हमारा क्रॉस फ्लो, ये हमारा हीट ट्रांसफर काउंटर फ्लो भी हो सकता है और पैरेलल फ्लो भी हो सकता है। मैंने आपको सुपर हीटर में ये बताया था, लाइक अगर हमारा काउंटर फ्लो अगर की बात करें तो काउंटर फ्लो की अगर हम बात करें तो ये हमारा सपोज फ्लू गैस है और ये हमारा वाटर टेम्परेचर है, तो ये हमारा काउंटर फ्लो हो गया, ये हमारा LMTD टेम्परेचर होती है और ये टेम्परेचर हमारी जो हमारी हीट ट्रांसफर टेम्परेचर वो सो कर हीट ट्रांसफर होती है ये और हमारी LMTD होती है। तो आप देख सकते हो जो फ्लू गैस की जो डायरेक्शन है और जो वाटर की डायरेक्शन है वो हमारी रिवर्स है, तो हमारा काउंटर फ्लो हो गया। सेम हमारी पैरेलल फ्लो भी होती है, सेम हमारी ये हमारी फ्लू गैस है और ये हमारी वाटर टेम्परेचर है, दोनों पैरेलल ही हो रही है और हमारी हीट एक्सचेंज हमारी हो रही है। तो ये हमारी अरेंजमेंट होती है वाटर फ्लो और फ्लू गैस की फ्लो की। तो यहाँ पर भी हम अरेंजमेंट देख सकते हैं, अपनी फ्लू गैस जो है हीट ट्रांसफर कर रही है हमारी वाटर को, जिससे वाटर हीटअप हो रही है। अब इससे हमारा एडवांटेज ये मिलता है, अब जो वाटर जो हमारी हीटअप जो होती है वो हमारी एक्चुअल अगर ये सिस्टम ना रखे तो हमारी डायरेक्टली हमारी जो बर्नर से सेकेंडरी फ्लेम जो जनरेट होती है उससे हमारी हीटअप होती है, तब हमारा फ्यूल जो है फ्यूल की कॉस्ट जो है वो हमारी कम होगी और इफिशेंसी भी इंक्रीज होगी। इसलिए मैंने यूज किया था इकोनोमाइजर, वो वर्ड से ही पता चलता है इकोनॉमी प्लस राइज, इससे हमारा इकोनॉमी राइज हो जाएगी, तो यही होती है हमारी इकोनोमाइजर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसकी वर्किंग सेम सिमिलर है, हमारी एग्जॉस्ट गैस अप पड़ जाएगी और हमारी ये ट्यूब से वाटर पास होगी जिससे ट्यूब में वाटर हीटअप होगी और फाइनली हम स्टीम ड्रम के थ्रू हमारा वाटर हम लेंगे और ये एज ए मेकअप वाटर की तरह भी काम करती है। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट थी व्हाट इज इकोनोमाइजर, इट्स पार्ट्स कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्किंग। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ट्यूब मटेरियल डिपेंडिंग ऑन फीड वाटर टेम्परेचर एंड फ्यूल ग्रेड्स। तो जो ट्यूब मटेरियल जो होती है जो बिटवीन टू हेडर्स के जो बीच में लगी होती है, इनलेट हेडर और आउटलेट हेडर के बीच में जो मल्टीपल ट्यूब्स लगी हुई होती है, उसकी मटेरियल फर्स्ट मिल्ड स्टील हो सकती है और माइल्ड स्टील हो सकती है, सेकेंड हमारा कास्ट आयरन हो सकता है, थर्ड हमारे ग्रिल्ड कास्ट आयरन हो सकती है। ओके, तो ये हमारी मटेरियल होती है। अब हम बात करते हैं फ्यूल ग्रेड्स। तो जो ग्रिल्ड कास्ट आयरन होती है, मैं अभी बताता हूँ ग्रिल्ड कास्ट आयरन क्या होती है। सपोज आप यहाँ देख रहोगे मैंने ये जो ट्यूब बनाया है ये हमारी प्लेन ट्यूब है और बोल सकते हैं प्लेन माइल स्टील ट्यूब है। ये जो मैंने बताया ये प्लेन माइल स्टील ट्यूब है हमारी। अब ग्रिल्ड कास्ट आयरन क्या होता है, लाइक यहाँ जो है यहाँ अगर हमारी फिन्स आ जाती है, सपोज ऐसे कहीं आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ट्यूब्स में हमारी ऐसी फिन्स आती है, ये हमारी फिन्स आती है ऐसे, तो ये अगर फिन्स आ गई तो ये हम इसे कहते हैं ग्रिल्ड टाइप ऑफ कास्ट आयरन, ये हमारी ग्रिल्ड टाइप ऑफ कास्ट आयरन है। तो ग्रिल्ड टाइप ऑफ कास्ट आयरन जो होती है ये हमारी और अच्छी हीट एक्सचेंजर होती है और अच्छे तरीके से हीट एक्सचेंज करती है बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड फिन्स। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ फिन्स पर मीटर की। सपोज अगर ये हमारी ट्यूब है, ये अगर हमारी ट्यूब है तो कितनी फिन्स होनी चाहिए 1 मीटर पर। अगर हमारे क्लीन फ्यूल यूज हो रही है बॉयलर में, अगर हमारी जो बॉयलर की जो फ्यूल है वो क्लीन फ्यूल है, ओके, तो जो फिन्स जो होनी चाहिए जो 1 मीटर में फिन्स नंबर ऑफ फिन्स जो प्रेजेंट होनी चाहिए 150 to 200 फिन्स पर मीटर होनी चाहिए अगर हमारी क्लीन फ्यूल यूज हो रही है। तो आप लोगों ने सुना होगा ऑयल फायर टाइप ऑफ बॉयलर,
अगर ऑयल पाइप टाइप ऑफ बॉयलर में जो इकोनोमाइजर होती है, अगर वो इकोनोमाइजर ग्रिल्ड कास्ट टाइप ऑफ आयरन है तो वहां फिन्स तो होगी, तो वहां जो फिन्स होगी वो लगभग 82 और 100 टू 120 फिन्स पर मीटर प्रेजेंट होगी। मींस 1 मीटर में 100 से 120 फिन्स होगी ऑयल फायर टाइप ऑफ बॉयलर की अगर हम बात करें तो। नाउ अगर हम बात करें ड्राइव फ्यूल्स जो होती है लाइक कोल वगैरह, अगर वहां इकोनोमाइजर प्रेजेंट है, अगर उस पोजीशन पर अगर हमारा इकोनोमाइजर प्रेजेंट है तो वहां जो 1 मीटर पर फिन्स होगी वो 8200 फिन्स होगी, फिन्स पर मीटर। तो ये मैंने आपको बताया मीन्स कितने इंटरवल पर फिन्स होनी चाहिए और फिन्स की एक डिस्टेंस आपको बताया जिससे बेटर हीट एक्सचेंज हो सके। अगर क्लीन क्लीन फ्यूल है तुम्हारी ये होगी, अगर हमारी ऑयल फायर टाइप का बॉयलर है तुम्हारी 100 टू 20 होगी, और हमारा ड्राई ड्राई फ्यूल है तो हमारा 80 टू 100 होगी। तो ये मैंने आपको एक वैल्यू बताया। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर की जो क्लासिफिकेशन होती है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होती है वो काउंटर टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, काउंटर फ्लो एंड पैरेलल फ्लो होती है। जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत बताया था जो काउंटर फ्लो एंड क्रॉस फ्लो की डायग्राम, जो हीट ट्रांसफर वर्सेस एलएमटीडी की डायग्राम बनाकर बताया था, फर्स्ट कैटेगरी हमारा वो होती है। सेकेंड कैटेगरी हमारा ओरिएंटेशन ऑफ ट्यूब होती है, लाइक हॉरिजॉन्टल ट्यूब या वर्टिकल टाइप ट्यूब ऑफ इकोनोमाइजर होती है। अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें तो हमारा जो थर्ड कैटेगरी होता है वो स्टीमिंग टाइप ऑफ इकोनोमाइजर होती है और नॉन स्टीमिंग टाइप ऑफ इकोनोमाइजर होती है। तो स्टीमिंग टाइप ऑफ इकोनोमाइजर एंड नॉन स्टीमिंग टाइप ऑफ इकोनोमाइजर में हमारा डिफरेंट क्या है? जो स्टीमिंग टाइप ऑफ इकोनोमाइजर होती है वहां जो हमारा वाटर ट्यूब में जो वाटर फ्लो करती है वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स जो वाटर को हम लोग हीट करते हैं वो स्टीम ड्रम के प्रेजेंट जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर जो होती है उसके सेचुरेशन प्रेशर तक हम वाटर को हीट करते हैं इन केस ऑफ स्टीमिंग टाइप ऑफ इकोनोमाइजर। और जो हमारा नॉन स्टीमिंग टाइप ऑफ इकोनोमाइजर होता है ये जो वाटर ट्यूब जो होती है वो जो हीट जो होती है अप टू सेंसिबल हीट तक हम इसे हीट करते हैं। सेंसिबल हीट मीन्स जहां पर हमारी फेज चेंज ना हो रही हो, ओके मीन्स वाटर है तो उसकी टेम्परेचर रेज हो रही हो बट फेज चेंज ना हो रही हो। लेकिन स्टीमिंग में जो हमारा होता है यहाँ सेंसिबल हीट नहीं होती है, यहाँ फेज चेंज होती है, जो ट्यूब में हमारे स्टीम फॉर्मेशन होती है और हम इसे बोलते हैं स्टीमिंग कंडीशन यहाँ होती है और यहाँ नॉन स्टीमिंग कंडीशन होती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो नॉन स्टीमिंग में हमारी ये कंडीशन होती है वहां पर जो सैचुरेटेड टेम्परेचर से बिलो जो भी स्टीम ड्रम में जो प्रेशर है उसके प्रेशर से हम बिलो इसे हम वाटर को हीट करते हैं सैचुरेटेड टेम्परेचर से बिलो। नाउ थर्ड पार्ट ओवर हमारा हो गया। फोर्थ पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग बोथ द गैस एंड वाटर टेम्परेचर। जो भी हमारी फ्लू गैस होती है जो हमारी हीट एक्सचेंज करती है बिटवीन वाटर, जो वाटर में हीट एक्सचेंज करती है और वाटर को हीटअप करती है, जो फ्लू गैस की जो आउटलेट टेम्परेचर होनी चाहिए वो एक मेंटेन्ड कंडीशन में होनी चाहिए। अगर हम बात करें जो हमारा अपर जनरेटिंग ट्यूब है, सपोज जो हमारा अपर जनरेटिंग ट्यूब है इकोनोमाइजर की, अगर उसकी मेटल सरफेस टेम्परेचर अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम हो गए तो जो भी हमारा फ्लू गैस ट्रेवल कर रहा है तो फ्लू गैस की जो वाटर वेपर जो होगी वो उससे रिएक्ट कर जाएगी और वहाँ कंडेंसेशन प्रोसेस होगा और वो हमारा कोरोड कर देगी ट्यूब्स को, मेटल ट्यूब जो होगी वो कोरोड हो जाएगी। तो बेसिकली जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर हम जो फीड वाटर की रखते हैं 115 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, ओके, क्योंकि इससे बिलो हमारा कंडेंसेशन हो जाती है और जिसे हमारा कोरोजन हो सकता है और जिसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कोरोजन। इसलिए हमारा वाटर टेम्परेचर भी इंक्रीज मेंटेन करना बहुत जरूरी है और गैस की भी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। अगर गैस की बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर कम होगी, फ्लू गैस की टेम्परेचर कम हो गई तो वो हमारा ड्यू पॉइंट कोरोजन हो सकती है। तो ये हमारा फोर्थ थिंग थी। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इकोनोमाइजर द वर्ड इटसेल्फ इकोनॉमी प्लस राइज, मीन्स इसे इकोनॉमी राइज हो रही है, कॉस्ट लोअर हो रही है बट इफिशेंसी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो वो अब हम यहाँ प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकल हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पर देखेंगे। इफिशेंसी ऑफ इकोनोमाइजर मीन्स इकोनोमाइजर कैसे पूरी बॉयलर पावर प्लांट की इफिशेंसी को इंक्रीज करता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर थ्री लो है और बोल सकते हैं थ्री फैक्टर होती है उस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो जो भी हमारा वाटर ट्यूब में जो वाटर टेम्परेचर वाटर जो फ्लो कर रही है तो एवरी 6 डिग्री सेल्सियस जो वाटर की राइज होगी इससे हमारा बॉयलर की 1% इफिशियंसी
बढ़ेगी। और हम यू बोल सकते हैं एवरी 6 डिग्री सेल्सियस राइज इन वाटर टेम्परेचर इन इकोनोमाइजर देयर इज इंक्रीज इन 1% बॉयलर इफिशियंसी। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। सपोज अगर हम बात करें जो हमारी इनलेट हेडर है उसकी, सपोज अगर टेम्परेचर हम 115 डिग्री सेल्सियस लेते हैं सपोज, ओके, और जो हमारा आउटलेट हेडर है उसकी हम इफिशियंसी अबाउट 175 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, जो हमारी आउटलेट से जो वाटर हमारी फ्लो कर रही है उसकी हमारी टेम्परेचर 175 डिग्री सेल्सियस है, और जो ही इनलेट हेडर से जो हमारी वाटर जो फीड कर रहे हैं उसकी टेम्परेचर 115 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारी इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट होगी? इफिशियंसी ऑफ बॉयलर इज इक्वल टू हमारी जो दोनों की टेम्परेचर डिफरेंस 175 माइनस 115 बाय एवरी 6 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर ऑफ इकोनोमाइजर व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन 1% ऑफ बॉयलर एफिशिएंसी मींस 6 डिग्री एवरी 6 डिग्री मींस हम यहां 6 और ये हमारा सारा डिग्री सेल्सियस में, ओके, तो हमारा कितना हो रहा है 60 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो 60 बाय 6 मींस 10% एफिशिएंसी हमारा राइज हो रही है। तो ये हमारा कैलकुलेशन है और मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर फीड वाटर इनलेट अगर हमारी टेम्परेचर पता है और हमारी जब जो वाटर जो बाहर आ रही है आउटलेट हेडर से उसकी टेम्परेचर पता है तो हमारी बॉयलर की एफिशिएंसी ऐसे फाइंड होती है और ये हमारी इकोनोमाइजर इंक्रीज हो गई। अगर इसका मतलब है अगर हम प्लांट में इकोनोमाइजर नहीं लगाते तो हमारी 10% ये एफिशिएंसी कम हो जाती, डिक्रीज हो जाती, इसका मतलब ये है। नाउ सेकेंड केस, अब हम सेकेंड केस लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट केस था कैलकुलेशन। सेकेंड पार्ट, ओके, जो हमारा फ्लू गैस जो है, जो फ्लू गैस जो ट्रेवल कर रहा है ये क्या कर रहा है, हीट एक्सचेंज कर रहा है, मींस अपना हीट क्या कर रहा है वो वाटर को दे रहा है, मींस इसकी स्टेप बाय स्टेप इसकी अपनी टेम्परेचर कम हो रही है। तो एवरी 16 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर विच लीड्स टू इंक्रीज इन 1% इफिशियंसी ऑफ बॉयलर, मींस अगर 16 डिग्री फ्लू गैस की अगर टेम्परेचर फॉल हो रही है तो हमारी बॉयलर की इफिशियंसी 1% इंक्रीज हो रही है, ओके? सपोज अगर हमारा जो है हमारा अपटेक गैस जो है जो इनलेट गैस अगर इसको हम कंसीडर करते हैं, अगर ये हमारी टेम्परेचर 3 अगर ये हमारी टेम्परेचर सपोज 500 है, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसकी और ये बहुत हाई टेम्परेचर है, जो हमारा अपटेक होता है वो भी हमें स्टिल हाई टेम्परेचर रखनी होती है, ओके? सपोज हमारा टेम्परेचर यहाँ पर मैंने 300 डिग्री सेल्सियस लिया, मींस 200 डिग्री सेल्सियस फॉल हुई, यहाँ से जो यहाँ की जो टेम्परेचर फॉल हुई वो हमारी 2 डिग्री सेल्सियस हुई, मींस 500 माइनस 200 बाय, अब हमारे इफिशियंसी ऑफ बॉयलर अगर हम फाइंड करें मींस 500 माइनस 200 300 और एवरी 16 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप, ठीक 16 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर ड्रॉप हो रही है, मींस हम बाय 16 करेंगे बॉयलर की एफिशिएंसी निकालने के लिए। ये हमारी होगी सपोज ये मैंने 300 लिया, सॉरी ये हमारी 300, ओके, तो ये हमारी होगी 200 बाय 16 मींस 12.5%, मींस हमारे 12.5% बॉयलर की एफिशिएंसी पावर प्लांट की एफिशिएंसी हमारी राइज कर दी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था इकोनोमाइजर द वर्ड इटसेल्फ इकोनॉमी प्लस राइज, हमारी लोअर कॉस्ट में इसकी इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है इसलिए हम इसे इकोनोमाइजर करते हैं। तो हमारी ये कैलकुलेशन थी सेकंड। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट हमारा ये कहता है 25-40% ऑफ द बॉयलर हीटिंग सरफेस एरिया, जो इकोनोमाइजर की जो हीटिंग सरफेस एरिया होगी वो 25-40% होगी हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर की। तो इससे हमारा ये पता चलता है अगर सपोज अगर हमारा इकोनोमाइजर इंस्टॉल नहीं होती बॉयलर पावर प्लांट में तो इससे क्या होता है बॉयलर की लेंथ बढ़ जाती, तो इससे हमारा इकोनोमाइजर की इफिशियंसी इससे भी हमारा इंक्रीज करता है, लगभग जो 25-40% जो होती है बॉयलर की हीटिंग सरफेस एरिया हमारे इकोनोमाइजर से कवर होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था इकोनोमाइजर और इससे हमारी फ्यूल कॉस्ट भी फ्यूल में कॉस्ट की भी कमी होती है, ओके, फ्यूल कॉस्ट भी कम होती है और फ्यूल कंजप्शन भी हमारी कम होती है। तो ये हमारी इकोनोमाइजर की एडवांटेज थी, कंस्ट्रक्शन पार्ट्स थी, डिटेल्स थी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।